वेलकम टू गेम एक्सप्लोरेटिव चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो IIT जोधपुर में हाल ही में रिलीज हुआ है। डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट वीडियो। एंड इस चैनल पर जो टोटल व्यूअरशिप है उसमें ओनली 30% स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये IIT जोधपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, यू नीड टू रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन होगा। एंड ये इसका नोटिफिकेशन है, यू कैन सी रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशन, ठीक है। इसका लास्ट डेट 13 नवंबर है, ठीक है, 13 नवंबर इज द लास्ट डेट। ये लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सी दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, डिटेल्स नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पे वेरियस सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग साइंटिफिक ऑफिसर AIOT साइंटिफिक ऑफिसर SAID, तो वेरियस पोस्ट यहाँ पे यू कैन सी काफ़ी सारे, टोटल 8 पोस्ट है एंड नॉट मेनी वैकेंसी बट टोटल 11 वैकेंसी है। पे लेवल काफ़ी हाई है, यू कैन सी बेसिक पे लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, 57,000 टू 1 लाख आसपास के रेंज पे है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, फर्स्ट जो पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, यहाँ पे PhD लेवल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और मटेरियल साइंस, यू कैन सी एटलीस्ट 5 ईयर रिलेवेंट पोस्ट PhD एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो ये हायर पोस्ट है। उसके बाद देखो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, एंड देन यू हैव अ साइंटिफिक ऑफिसर AIOT, या पे PhD डिग्री का स्टूडेंट डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। MSc स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मस्ट यू शुड हैव दैट क्वालिफिकेशन। साइंटिफिक ऑफिसर SAID, या पे PhD डिग्री फिजिक्स बायोलॉजी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो साइंटिफिक ऑफिसर CRDSI, या पे केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिग्री इन केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। MTech का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और MSc स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर किसी के पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखो साइंटिफिक ऑफिसर CETSD, या पे PhD डिग्री इन जियो स्पेशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पोस्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन मैनेजर, या पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन फीस सबमिशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब अनाउंसमेंट है। या पे एप्लीकेशन फीस भी या पे चाहिए 1000 रुपीज फॉर पे लेवल 10 के स्टूडेंट के लिए एंड 500 रुपीज फॉर ऑल अदर पोस्ट, ठीक है। SC ST वुमेन स्टूडेंट के लिए, EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई भी फीस नहीं चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब एप्लीकेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।